प्रदेश के चुनाव आप नेताओं से मिलते हैं, आप वोटरों से मिलते हैं और विकास की तहकीकात करते हैं, लेकिन नौतनवा महाराजगंज जिले की ये विधानसभा जो अमन मणि त्रिपाठी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के चलते चर्चाओं में है, यहाँ पर हम मिले एक भोजपुरी सुपरस्टार से। सर, स्टार बोलना चाहिए कि सुपरस्टार? कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं नहीं, मैंने आपका स्टारडम देखा है आज चुनावी रैलियों में, और मुझे फिर मेरी वाइफ ने पिंग करके बताया व्हाट्सएप पे कि मैंने इनको टीवी शोज़ में भी देखा है। आप टीवी शोज़ में भी जाते हैं? हाँ, एक बार गया था, सानिया मिर्जा और रितेश देशमुख थे, और एक उनकी प्रियंका चोपड़ा की बहन थी परिणीति चोपड़ा। आपने सानिया मिर्जा का जिक्र किया इसलिए मैं आप पे वापस लौटूंगा। भोजपुरी में सानिया मिर्जा पे इतने गाने क्यों बनते हैं? उनकी नथुनिया और पता नहीं क्या, उनकी शादी हो गई, बहुत सारे गाने मतलब गूगल पे। खूबसूरत चीज़ को कौन छेड़ना नहीं चाहता, तो हर आदमी। सानिया मिर्जा एक अच्छी लेडीज हैं और चर्चित हैं, इसलिए उन पर चर्चा होती है, तो हर आदमी चर्चित लोगों को ही चर्चा में लाता है, इसलिए हो सकता है जो कभी कोई कल्पना मैं वही खड़ी होती हूँ। आपने कोई गाना सानिया मिर्जा पे? हाँ, गाया था एक बार, इसलिए 3 दिन जेल था मैं। 3 दिन जेल में रहे इस वजह से? तिहाड़ में था मैं 3 दिन, तो जेल से ही तो स्टार बना, जैसे अमर मणि त्रिपाठी जेल से ही स्टार बनने वाला। क्या वाकया क्या था, जेल में क्यों जाना पड़ा? वाकया वो मानहानि का केस था मेरे पे, जी सानिया मिर्जा पे मैं गाया था, जब उनकी सगाई 15 तारीख को या 18 को रिलीज हुआ था, मैं 21 तारीख को जेल में था। तो अब वो गाना आप नहीं गाते हैं? गाता हूँ। क्या गाना है? बहुत कुंवारे हिंदुस्तानी क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर धोनी से के बबेटर, पठान सलमान संग कैली बेमानी, नथिया वाली सानिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप चूँकि पॉलिटिकल रैली में आ रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव की अच्छी खासी इस देश के हर आदमी की पॉलिटिकल समझ कमाल की होती है, तो सानिया मिर्जा ने अगर कर ली शादी शोएब मलिक से तो क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को दिक्कत हुई थी। अगर हमारे देश में एक से एक मुसलमान है, सलमान खान है, यूसुफ पठान है, इरफान पठान है, तो सारे के सारे कमा रहे हैं। यहाँ करती तो शायद हमें उसे इतराज़ नहीं होता, लेकिन अच्छा, इरफान और यूसुफ की शादी हो गई, आप उनकी शादी तोड़वाएंगे? ना, आप हुई ना, पहले तो कुमारे ही थे। आप बप्पी लहरी से इंस्पायर्ड हैं, इतनी सारी सोने की चेन पहन रखी है? नहीं, मेरे ससुर जी नहीं दिए थे ना, इसलिए उनके गुस्से में पहनता हूँ। अच्छा, ससुर ठीक रहा, आप ससुर का जिक्र ले आए। आप चुनावी रैली में बता रहे थे कि आप और आपकी पत्नी लिट्टी चोखा बेचती थी, क्या है खेसारी लाल यादव की कहानी, बिल्कुल फर्श से उठ के और अर्श तक पहुँचने की कहानी? देखिए, हर इंसान गरीबी कोई पय नहीं होती है, और गरीबी ऐसी चीज़ है जो गरीब होकर जब इंसान अपने मुकाम को पाता है ना, तो शायद उसकी खुशबू पूरी बॉडी या पूरी दुनिया में फैल जाती है। और हम जब कहाँ आपकी पैदाइश है? क्या? मेरी पैदाइश हुई थी आपको राजस्थान में, और राजस्थान के बाद मैं जब गांव पे आया था तो मेरा घर ढह गया था, मेरी माँ जो बताती है, तो मेरी माँ 1 महीने तक दूसरे के घर में मुझे लेकर रही थी। उसके बाद पापा मेरे लिट्टी चना बेचते थे मुड़ी पे रख के, और पापा सत्तू बेचते थे, तो उसके बाद सब चलता रहा फिर। और मैं भैंस चराता था गांव पे, ज़्यादा भैंस रहती थी, दूध वूध बेचता था मैं। फिर मेरी शादी हो गई, तो थोड़ा और गरीबी में ही शादी हुई मेरी, फिर लिट्टी चोखा हम और हमारी वाइफ ओखला शहर, एक है दिल्ली में ओखला जगह, जी संजय कॉलोनी एक जगह है, आज भी उस मिट्टी को जाता हूँ, जब भी दिल्ली तो उस मिट्टी को प्रणाम करके जाता हूँ मैं, तो वहीं पे बेचते थे हम लोग। तो 1 साल तक मेरी वाइफ और मैं लिट्टी चोखा बेचते थे। फिर ये सिंगिंग का करियर कैसे शुरू हुआ? सिंगिंग शुरू से करता हूँ मैं, गाता हूँ, मैं कहीं सीखा नहीं हूँ मैं, वो होता है ना कि अंदर पहले से गॉड गिफ्टेड, तो गाते गाते उसी लिट्टी चोखा में से 10 रुपया 20 रुपया जुगा के 100 रुपया 150 करके 15,000 रुपया लगा कर मैं कैसेट गाया था, वो फ्लॉप हो गया था। फिर पापा ने मुझे 20,000 रुपया दिया था कमा के चना बेच के, तो वो गाया, तो मेरा तीसरा कैसेट थोड़ा सा चला। उसके बाद लगातार कंपनी प्रोजेक्ट होने लगे मेरे, तो मुझे पैसा लगाना नहीं पड़ता था, कंपनी मुझे पैसा देने लगी 50,000 1 लाख ऐसे करके, और 2009 में मैं सबसे बड़ा स्टार बन गया भोजपुरी का। अभी आप कितना चार्ज करते हैं एक शो का? टफ क्वेश्चन, इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं? नहीं, इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं तो मैं इनकम टैक्स भरता हूँ। तो बताइए कितना करते हैं? जहाँ पे मैं शो करने जाता हूँ, जहाँ पे मेरी कोई रिलेशन नहीं होते, वहाँ पे मैं 10 लाख तक भी ले लेता हूँ, 6 लाख लेता हूँ, 5 लाख लेता हूँ, 4 लाख, जहाँ रिलेशन होते हैं वहाँ 51 रुपये लेता हूँ। बढ़िया, तो आप एक्टिंग भी करते हैं भोजपुरी फिल्मों में? एक्टिंग तो करता ही। आपको लग रहा होगा कैसे बेवकूफाना सवाल पूछ रहा है, दरअसल मैंने जैसे कहा कि मुझे वो भाषा समझ में नहीं आती, तो मैं उतना चाव के साथ देखती। जैसे अभी रवि किशन से मुलाकात हुई, बरेली में अनुराग की फिल्म शूट कर रहे हैं, तो वो लोग जो थोड़े थोड़े हिंदी में आते रहे उनके बारे में फिर भी जानकारी मिल जाती है। हाँ, तो मैं 51 मूवी का हीरो हूँ, मैं 51 मूवी में कर चुका हूँ 6 साल में। कोई हिंदी फिल्मों से ऑफर आया आपको?
हाँ आया था, लेकिन छोटा रोल के लिए मैं बना नहीं हूँ, मैं बड़ा रोल करना चाहता हूँ इसलिए मैंने नहीं किया। कैसा रोल? अब मैं ऐसे मतलब कोई ड्रीम रोल आपको कि यार इस तरह का? ऐसे हीरो करना चाहता हूँ मैं, साइड रोल करके थोड़ी जाना है मुझे। जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं नरक का राजा पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर बनना मुझे पसंद नहीं है। ये बात बताइए, चूँकि आपका वक्त कम है, बस एक दो सवाल और पूछूँगा। आप हमेशा काले कपड़े पहनते हैं, आपका ट्रेडमार्क लिबास है, क्योंकि मैं अमन के ऑफिस गया था और वहाँ पे एक सभासद, मनोनीत सभासद बैठे हुए थे, वो भी वैसी ड्रेस पहने थे, और एक और भाई साहब अभी हमें कॉलेज के गेट पे मिले, वो भी वही ड्रेस पहने बैठे थे और बता रहे थे कि खेसारी भी यही पहन के आया और हम भी। क्या है एक्चुअली, मुझे कई सभा करना था ना, इसलिए मैं ब्लैक ही पहना कि इसमें मिट्टी धूल भी लगेगा ना, तो कम से कम स्टेज पर नया ही लगे, क्योंकि कपड़ा बदलने का टाइम नहीं मिला मुझे और ना ही मिल पाता मुझे, क्योंकि भाग दौड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं ब्लैक ही पहन लिया। और पूछा सबसे कि ब्लैक ठीक है ना, तो बोले कि हाँ ठीक है। आप छपरा से हैं, बिहार ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं, कई बड़े आंदोलन भी दिए हैं, चाहे गांधी जी वहाँ पर आए हों सत्याग्रह के लिए या जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। फिल्म स्टार्स पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो किसी के भी बुलाने पर आ जाते हैं चुनावी रैलियों में, एक बार एक पार्टी का प्रचार करते हैं, दूसरी बार दूसरी पार्टी का प्रचार करते हैं। आप इस पर आपका क्या सोचना है? आप और भी किसी कैंडिडेट के प्रचार में जाते हैं? कभी गए हैं आप किसी राजनीतिक रैली में इससे पहले? मैं राजनीतिक रैली में जाना पसंद भी नहीं करता, जहाँ मेरे व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं वहीं मैं जाता हूँ। वो किसी भी पार्टी में हो? नहीं, पार्टी जहाँ मेरे पार्टी की बात है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का हूँ ही नहीं। नहीं, मैं वही, जैसे मैं खेसारी लाल का फ़ैन हूँ, मैं किसी जगह पे हूँ, अब आप वहाँ पर किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आए और मैं उस पार्टी में चला गया, तो मैं तो प्रभावित हो गया ना, क्योंकि मैं आपका फ़ैन हूँ। अब वो पार्टी कैसी है? आपके तो व्यक्तिगत रिलेशन है, वो पार्टी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जब आपके नेचर बदल सकते हैं तो मेरे भी तो नेचर बदल सकते हैं। मेरे व्यक्तिगत रिलेशन आपसे है, आपके पार्टी से नहीं, तो मैं आपके पार्टी का, मैं आपकी तारीफ़ कर सकता हूँ, किसी की बुराई करके आपकी तारीफ़ नहीं कर सकता। अमर मणि से पहले और किसका प्रचार किया आपने? मैंने किसी का नहीं किया। अभी आपने कहा कि जहाँ व्यक्तिगत संबंध होते हैं वहाँ मैंने किया नहीं ना, मुझे पास टाइम ही नहीं है। व्यक्तिगत रिलेशन यहाँ था तो मैं आ गया। क्या व्यक्तिगत रिलेशन है, बताइए इस रिलेशन के बारे में। काफ़ी मेरे, मैं जब भी नेपाल आता हूँ तो अमन भैया से मेरी मुलाकात होती रहती है, मैं गोरखपुर कई बार मिल चुका हूँ उनसे, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बन गया है मेरा। और एक सिंगिंग में ही गया था, तो कहीं गए थे तो वहाँ पे उनसे मेरा रिलेशन बना, उसके बाद काफ़ी संपर्क में मैं रहा उनसे। इन दिनों मुझे 2-4-5-6 महीने हो गए उनसे बात नहीं हुआ था मेरा, अचानक मुझे कॉल गया यहाँ से, एक लड़का है मेरे गोरखपुर का, तो कि यही बाबा है, इन्होंने ही कॉल किया था उनको कि बाबू एक प्रचार में आना है आपको, तो मैं पूछा जे किसका, तो ये बोले कि अमर मणि त्रिपाठी, तो मैं उनको जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। तो फिर वहाँ से बात हुई, तो मैं इनसे बात, बाबा से बात किया कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, और मैं कई बार घर पे भी आया हूँ, तो एक व्यक्तिगत रिलेशन की वजह से मैं आया, और मुझे व्यक्तिगत रिलेशन पे बड़ा विश्वास रहता है, और जो लोग मुझे थोड़ा हेल्प करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए मेरी जीवन अगर काम आ जाए तो मैं आजीवन उनके साथ हूँ। आप इतने बड़े स्टार हैं, और मैं फिर रैली में, मुझे लग रहा था कि मंच टूट ना जाए, सीढ़ियाँ तो लगभग टूट ही गई थी, बैरिकेडिंग तोड़ के लोग आ रहे थे, कोई एक्सपीरियंस आपको जो सबसे यादगार रहा हो, कि एक वो लिट्टी चोखा ओखला में और फिर एक ये मोमेंट? देखिए, आज जो लिट्टी चोखा जब मैं बेचता था तो मेरी अपनी जीवन थी, एक मेरा स्ट्रगल पीरियड था वो, लेकिन आज जो लोग मुझे प्यार करते हैं, हल्ला करते हैं, मेरे शरीर को छूना पीछे कर रहे हैं लगातार, जो सुनना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, तो ये खुशी का माहौल मेरे लिए होता है, और इसीलिए मैं नॉर्मल तरीके से रहता हूँ, विदाउट मेकअप रहता हूँ, मैं फिल्म में ही मेकअप करता हूँ, विदाउट, बड़े नॉर्मल भेषभाव में रहता हूँ कि मैं इनका हो के रहूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे एक ऐसा टारगेट दिया है कि मुझे पूरा करना है, मुझे इनके लिए जीना है, मैं अपनी ज़िंदगी कभी नहीं जीता। आपने भी आज एक टारगेट दिया है अड्डा बाज़ार की रैली में, कि अगर अमन जीत जाएंगे तो आप ट्रॉली भर के हीरोइनें लाएंगे मुंबई से और फिर डांस परफॉर्मेंस होगी। नहीं, एक्चुअली देखिए, उनके मैं आपका भाषण कितने गौर से सुन रहा था, एक्चुअली उनके एंजॉय के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा अपने भाई के लिए तो मैं करूँगा, क्योंकि एक मैं सच्चा इंसान के लिए कर रहा हूँ, जो कि जैसे कि कृष्ण भगवान जेल से ही सारे चीज़ों को पूरा किए थे, उनकी पैदाइश जेल में हुई थी, तो कहीं ना कहीं मैं उस इंसान के अंदर कृष्ण देख रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला, और सच में बता रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ सबसे कि ये जनता अगर अपील करेंगे तो फिर वो वीडियो में हमें कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी अपील अपलोड नहीं कर सकते हैं, लगातार हम कैंडिडेट का जिक्र कर रहे हैं, तो का जिक्र ही कर रहा हूँ कि हमारे हमारी ऑडियंस चाहती है कि अच्छा आप देखिए, हाँ खेसारी लाल जी लेके, हाँ पक्का लेके आऊँगा।
आप पक्का लेके आएंगे ट्रॉली भर के हीरोइन है, मतलब ये इतना डिफरेंट मेटाफर था, यू जस्ट इमेजिन कि एक ट्रैक्टर की ट्रॉली उसमें बहुत सारी एक्ट्रेसेस भरी हुई हैं। एयरपोर्ट से ट्रॉली पे आऊंगा, यहाँ के एयरपोर्ट से। ऐसा नहीं कि मैं बॉम्बे से ट्रॉली भर के। बॉम्बे में कौन कौन दोस्त हैं हीरोइन आपकी? जितने लोग मेरे साथ काम किए हैं, कहीं मेरी बात तो कोई काटेगा नहीं, क्योंकि मेरा रिलेशन किसी से कोई बिगड़ा नहीं है और ना ही कभी ख़राब हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीरोइन के साथ काम मैं ही किया हूँ, तो इसलिए मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पर फिर। खेसारी लाल यादव, कमाल की कहानी है, ओखला से शुरू हुई, वही ओखला जिसे संजय गांधी ने बसाया था, वो भी एक अलग सियासी कहानी है, वही ओखला जिसके पार आप जाते हैं तो नोएडा में फिल्म सिटी है, जहां पे तमाम मीडिया का दफ्तर है, हमारा भी दफ्तर है, जहां से हम 27 जनवरी को सफ़र पर निकले उत्तर प्रदेश के चुनाव की कवरेज के लिए। बने रहिए लगातार thelallantop.com और फेसबुक चुनाव के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़मीनी कवरेज गांव गली कूचे बाजार दुकान मकान में जाकर हम ही कर रहे हैं। और आपका क्या सोच रहा है, कौन बैठेगा लखनऊ के तख्त पर, बताइए हमें कमेंट बॉक्स पर, ताकि हमें भी तो अंदाज़ा रहे 11 मार्च को जब मतपेटी खुलेगी तो कौन होगा कालिदास मार्ग का नया वारिस। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सेन।